लीला प्रवीणा शिल्पा मीनाक्षी, मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। रिक्शा मंगवाई कि नहीं? नहीं बा, मैं भूल गई। कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। बा रिक्शा नहीं है तो आप पैदल चले जाइए ना, या टैक्सी कर लीजिए। कोई वेस्ट नहीं करेगा, जो वेस्ट करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। एमएल अभी हुआ नहीं है मेरा। अभी मैं रिक्शा में बैठ के मंदिर पहुंच गया, मतलब गोदावरी पहुंच गई। बाय। डायलॉग। अरे अरे, शिव जी की मूर्ति कहाँ चली गई मंदिर में से? कहाँ गए शंकर भगवान? शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान। गोदावरी जैसे कृष्ण शंकर भगवान। अरे ये तो चमत्कार हो गया, भगवान शंकर साक्षात। गोदावरी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी, अपने घर वालों की और दुनिया वालों की बहुत सेवा की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दो वरदान देना चाहता हूँ, मांगो जो मांगना है। मैं मांगू? चुप रहिए ना, मांगने देना, तू तो देता नहीं। प्रभु, वैसे तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं तो मैं मांगती हूँ। मेरी पहली इच्छा ये है कि हमारा सौमिल 100 साल जिए। सौ साल जिए हम लोग का सौमिल। तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो। दूसरी इच्छा ये है कि कि मैं हिम्मल की शादी उसी लड़की से करवाऊं जिससे वो प्यार करता है। तथास्तु। बोल दिया। हेमल की शादी उसी से होगी जिससे वो प्यार करता है। बस। और वो शादी तुम भी कराओगी गोदावरी? हम बाद में बात करते हैं ना। मैं तुम्हें दोनों वरदान देता हूँ गोदावरी। वाह गट्टू शामिल, वाह गट्टू और शामिल को फर्स्ट प्राइज। सौमिल, हम सब तेरे साथ हैं। शिल्पा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है।
बाप उस आवाज दीजिए ना, आपकी आवाज जरूर सुनेगा। सुमिल, सुमिल, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुमिल, सुमिल, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते, हम इन्हें एमआरआई के लिए लेकर जा रहे हैं। नर्स, डॉक्टर कटारिया को फोन कीजिए, उनसे कहिए इमरजेंसी है, वे जल्दी आ जाए। हर्षद नहीं, कोई आंसू नहीं बहाएगा, हम में से कोई टूटेगा नहीं। सुमिल को कुछ नहीं होगा, वो हंसते खेलते वापस आएगा, ये मेरा विश्वास है। वो आएगा हर्षद। सुमिल वापस आएगा ना? क्या हुआ है उसको? कुछ नहीं होगा गट्टू काका। तो उसकी आंखें ऐसे ऐसी क्यों हो गई थी और वो बोल क्यों नहीं रहा था कुछ? वो स्टैचू खेल रहा था ना, इसलिए, जैसे मैंने आपको किया था स्टैचू, है ना? वैसे भगवान ने उसको थोड़ी देर के लिए स्टैचू कर दिया है। लेकिन तो सब लोग उसको सफेद गाड़ी में क्यों लेके गए, बड़ी वाली? उसमें लेके जाते है ना तो सब लोग रोते है, मुझे मालूम है, मुझे भी अभी रोना आ रहा है। मिताली, सुमिल आएगा ना वापस? उसने ना मुझको प्रॉमिस किया है कि हम लोग है ना फैंसी ड्रेस में फर्स्ट प्राइज जीतेंगे और दिवाली में बहुत सारे पटाखे सब साथ में मिलके फोड़ेंगे। तो अभी हम लोग जीते हैं ना फर्स्ट प्राइज, ये देख, जीते हैं ना। तो अभी दिवाली आने वाली है और वो अभी हॉस्पिटल में चला गया। हाँ, पर वो जरूर वापस आएगा। जैसे कृष्ण बेबी, उसने तुझे खुद कहा था ना कट्टू, मिताली के सामने कहा था, पूछने में भी थे उसको, मिताली कहा था ना? बेटा, उसने कहा है तो 100% हम दिवाली साथ में मनाएंगे। ऊपर वाला अगर इतना ही अकेला है तो वो आए यहाँ दिवाली मनाने, मगर सुमिल को हम इतनी जल्दी नहीं भेजेंगे। चलो, हम सब दिवाली के दिए के साथ उम्मीद का दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सुमिल को वापस लौटा दे। सब लोग आओ, सब लोग इधर। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनम्। हे कुलदेवी माँ, आपका ही बेटा है वो, अभी तक तो आपकी गोद में भी नहीं खेला वो, उसे आप कैसे इस घर से दूर जाने दे सकती है? जितना वक्त उसे दिया है उससे पहले आप उसे कहीं नहीं भेज सकती। मेरी शपथ याद है ना, उसे वापस आना ही होगा, आप ही उसे वापस लाएंगे। सुमिल कैसा है? हर्षद, टेल मी क्विकली व्हाट हैपेंड। वो बेहोश हो रहा है, होश में आ रहा है, फिर से बेहोश हो रहा है। क्या कहा डॉक्टर कटारिया ने? उन्होंने सारे रिपोर्ट्स चेक करने के बाद कहा कि सुमिल की स्थिति बहुत नाजुक है। वो ट्यूमर दिमाग के जिस हिस्से को छेड़ रहा है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है,
हो सकता है सौमिल शायद अपने शरीर पे से कंट्रोल खो दे। हर्षद भाई, उसका इलाज क्या है? शायद सर्जरी करनी पड़ेगी, पर उसमें बहुत बड़ा रिस्क है और इसलिए डॉक्टर कटारिया ने कहा है कि डॉक्टर अखिलेश झा को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो इस शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन है, उनकी सलाह के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये लोग ऐसे ही एक दूसरे पे धकेलते रहेंगे। मैं बात करता हूं डॉक्टर कटारिया से। प्रवीण भाई, ऐसा नहीं होता है। मामला सीरियस है, इसीलिए स्पेशलिस्ट की सलाह ली जा रही है। सीरियस है मतलब? हर्षद, सीरियस है मतलब? शायद वो अपने आखिरी 3 सपने पूरे नहीं कर पाएगा।